प्रियदर्शनी नारायण यादव लखनऊ गर्ल यानी थप्पड़बाज गर्ल के नाम से जाने वाली प्रियदर्शनी नारायण यादव पर अभी तक कोई भी कार्रवाई है जो नहीं की है पुलिस ने, अभी तक है जो प्रियदर्शनी को गिरफ्तार नहीं किया है। लेकिन आपको बता दें इस मामले को लगभग 2 महीने है जो पूरे होने जा रहे हैं। जी हाँ, जहाँ तक हमारे पिछले इंटरव्यू के दौरान कैब ड्राइवर ने हमें बताया कि है जो 18 तारीख को भी फैसला है, जो फाइनल फैसला है जो आना अभी बाकी है, 18 तारीख को जो भी होता है हम आपको अपने जने से है जो अपडेट देंगे। लेकिन अभी के लिए हम बता दें कि प्रियदर्शनी ऐसा सोच रही है कि मुझे जेल नहीं होगी, या उसने, जबकि आपको पता है उसने गलती की है, सब लोग जानते हैं, CCTV कैमरे में कैद हुई तस्वीरों में साफ साफ पता चलता है कि प्रियदर्शनी की ही गलती है और उसने कैब ड्राइवर को 22 थप्पड़ मारे हैं और अभी तक वो आज़ाद घूम रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें वह जो प्रियदर्शनी सोच रही है कि मामला है जो ठंडा हो गया है, तभी तो आपको पता होगा 1 महीने से प्रियदर्शनी किसी भी चैनल पे नहीं आ रही है, किसी भी चैनल पे इंटरव्यू देने से मना कर रही है, किसी भी चैनल पे इंटरव्यू देना नहीं चाहती शायद, और कुछ रिपोर्टर है जो शायद इंटरव्यू लेना ही नहीं चाहते प्रियदर्शनी का। प्रियदर्शनी को जितना फेम चाहिए था वो उसे मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इसीलिए वो अब दोबारा नहीं आना चाहती टीवी पर, या दोबारा नहीं इंटरव्यू है जो देना चाहती, क्योंकि मामला वो और ज़्यादा चाहती है कि शांत हो जाए, लेकिन अभी है जो मामला शांत नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 18 तारीख को अभी है जो फाइनल रिजल्ट आएगा, उसमें पता चल जाएगा आपको कि प्रियदर्शनी बच जाएगी या नहीं बचेगी, आपको सब कुछ बताया जाएगा। और वहाँ पर आपको पता है हमें कैब ड्राइवर को इंसाफ दिलाने के लिए आप सबकी मदद चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जो लोग भूल गए हैं इस मामले को उसको भी रिवाइव करवाया जाए और उनको भी याद आए कि 22 थप्पड़ जो कैब ड्राइवर ने खाए हैं उनका हिसाब है जो बराबर किया जाए और उस लड़की को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कैब ड्राइवर को इंसाफ मिले। जी हाँ दोस्तों, और आप सबका धन्यवाद हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स के लिए।